जी, मैं रहने वाली पटना से हूँ प्रॉपर। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो है वो पटना में ही हुआ है, पटना ही में मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई है। द मोमेंट मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पटना में, उसके बाद मैं हैदराबाद चली गई थी ईटीवी में, वहाँ पर मैंने न्यूज़ एंकरिंग किया था। और पटना में जब मैं थी तो अपने स्कूल मतलब स्कूल टेंथ जब मैंने कंप्लीट किया था, तो इमिडिएटली जब इंटर में थी तो मैं साथ साथ दूरदर्शन का भी काम देख रही थी, ईटीवी का भी काम देख रही थी, जो भी लोकल मीडिया चैनल थे। तो वहाँ पर मैं न्यूज़ रिपोर्टर जो आप काम करी, मैं वो काम कर रही होती। और मुझको जैसे याद है, मैंने एक बार मनोज तिवारी जी का पहला मेरा इंटरव्यू था, मैंने उनका उस टाइम पे इंटरव्यू लिया था। उस टाइम से मेरे पास भोजपुरी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे, तब मुझको भोजपुरी फिल्म में उतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि नाम थोड़े अजीब अजीब से थे, तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन दैट। और मेरा टारगेट था कि मुझको न्यूज़ एंकर बनना है, इससे पहले मुझको सिंगर बनना था, फिर न्यूज़ एंकर। मेरा पल पल में समय के हिसाब से वो जो आप कहोगे ना एम्बिशन मेरा बदलता गया। उसके बाद फिर ईटीवी में मैं गई, वहाँ पर मुझको मन नहीं लगा। मेरे फैमिली तब तक मुंबई में शिफ्ट हो चुकी थी, मुझको जाना था दिल्ली। पापा ने कहा नहीं दिल्ली नहीं जाना, तुमको रहना तो हमारे साथ ही रहना। अब मुंबई में मैं क्या करूँ, उन्होंने कहा काम करो एक्टिंग करो। तो मेरे पापा ने मुझको सजेस्ट किया जाओ जाकर के एक्टिंग करो। जनरली सबके घर वाले जो शट डाउन करते हैं कि नहीं करना, मेरे फैमिली ने मुझको इनिशिएट किया कि नहीं आप जाओ। और तब मैं कुछ मुझको समझ नहीं आता था, मैं जब बोलती भी थी डायलॉग्स तो न्यूज़ एंकर की तरह बोलती थी। तो फिर धीरे धीरे अपने रिदम को तोड़ा, क्योंकि न्यूज़ एंकर का एक अलग रिदम होता है बोलने का। फिर मैंने अपने रिदम को तोड़ा, फिर धीरे 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 टचवुड, एक चीज़ मेरे में बहुत अच्छा है कि मैं ऑब्जर्वेशन पावर मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो ना तो मैंने न्यूज़ एंकरिंग ज़्यादा सीखा, ना तो मैंने एक्टिंग सीखी, लेकिन सब कुछ ऑब्जर्व करते 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 मैंने अपनी प्रेजेंट प्रैक्टिकल दुनिया को ही अपना लाइब्रेरी बना लिया। एंड फिर अपने एक्टिंग पे मैंने कदम रखा। और फिर टीवी सीरियल्स करने के बाद मुझको लगा कि अब मैं अगला क्या करूँ, तो मुझको भोजपुरी इंडस्ट्री देखा, क्योंकि अब भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी हद तक साफ सुथरी हो गई है और काफ़ी अच्छे लेवल पर फिल्में बन रही हैं। आपको लगता है सच में अब साफ सुथरी हो गई है भोजपुरी इंडस्ट्री? या ऑब्वियसली यस, मुझको लगता है ऐसा। आपके जो फ्रेंड सर्कल है जो भोजपुरी नहीं जानते हैं, भोजपुरी नॉर्मली बहुत जो अदर कास्ट वाले होते हैं भोजपुरी को पसंद नहीं करते, आपके जो फ्रेंड लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी? मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, अब ऑब्वियसली वो सारे लोग मेरे सोशल मीडिया से भी जुड़े पड़े हैं, तो प्रतिक्रिया क्या, वो फिल्म के जो अभी आजकल जो ट्रेलर देख रहे हैं, अब भोजपुरी फिल्म जो है वो अपने आप को कोशिश करिए, आप जो भी ट्रेलर देखोगे थोड़ा साउथ स्टाइल में ट्रेलर दिखते हैं। टीवी सीरियल्स में क्या है, आपका किरदार ही आपके नाम पर हावी हो जाता है, फिर आप उसको भूल जाते हो, फिर तुरंत टीवी सीरियल्स आ गया, दूसरा कोई भी शोज़ वगैरह आ गया, फिर आपको दूसरे शोज़ लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि 100 लोग होते हैं बंदे चैनल में आपको एक किरदार को फाइनलाइज करने में। सो वहाँ पर ज़्यादा टफ कंपटीशन है। और एज़ फॉर एन एक्टर, ये जो फिल्म इंडस्ट्री अपनी भोजपुरी, एटलीस्ट अब पोस्टर भी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई हैं पोस्टर्स, नाम जो कंटेंट आप देखोगे अब नाम वैसा नहीं रह गया, काफ़ी कुछ हिंदी नाम वगैरह ये जोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री अभी पूरी कोशिश करी है कि हम कहीं ना कहीं हिंदी के प्लेटफॉर्म पे नहीं तो साउथ के प्लेटफॉर्म तक पहुँचें। तो वो जो कोशिश है, चाहे वो गाने का हो, कोरियोग्राफी का हो, फिल्म के कंटेंट का हो, तो काफ़ी कुछ सुधर रहा है। तो मेरी फैमिली तो इनफैक्ट दे आर हैप्पी